मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया वो ये लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर सकते। कांग्रेस ने रोजगार दिया, सुरक्षा दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा बिल दिया, सूचना का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, ऋण माफी दी, सस्ता बिजली बिल दिया, गैस सस्ती दी, सब्सिडी योजना और तमाम इंदिरा आवास, ये जो भी है सारी चीजें कांग्रेस ने दी। और ओबीसी वालों को खासकर मैं कहना चाहूंगा, ओबीसी वालों का 10% जो आरक्षण की जो रूपरेखा बनाई वो कांग्रेस ने बनाई, और आजादी के बाद से तुरंत जो जमींदारी विनाश उन्मूलन लागू किया वो कांग्रेस ने लागू किया, वोट का अधिकार कांग्रेस ने लागू किया, महिलाओं को नाम है 40% आरक्षण दिया है, प्रियंका गांधी ने दिया है, प्रियंका जी कहती है क्या नाम है रोजगार महिलाओं के लिए ज्यादातर दिया जाएगा, तो 2022 में कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही लड़की है तो एकदम आपने सोच लिया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नमस्कार, क्या सोचता है यूपी में आज आपका स्वागत है। आज आप पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि क्या सोचता है यूपी बिसौली विधानसभा में, बदायूं जिले की एकमात्र आरक्षित सीट जहाँ से 2017 में कमल एकदम खिलखिला उठा था। तो मेरे साथ बिसौली की ये जनता है जो ये बताएगी कि जो 2017 में हुआ क्या वाकई 2022 में भी होने वाला है, क्योंकि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो काम किया है वो अखिलेश यादव, मायावती जी कहीं उनके आसपास ठहरती ही नहीं है। इसलिए तो इतिहास के पन्ने में जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होने वाला है, वो ये कि एक बार फिर पुनः बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ऐसा बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के दावा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और तमाम मुद्दों को लेकर और जाति का अलग किस्म का समीकरण बैठा कर 400 सीटों का लाने का वादा कर रहे हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अलग किस्म की राजनीति के साथ मैदान में उतरी हैं। तो तमाम ये जनता है जिनसे आज जानेंगे कि आखिर बस कुछ ही दिनों बाद वोट पड़ने हैं तो होने क्या वाला है। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? सोमेंद्र यादव। यादव जी हैं जी जी। साइकिल चलेगी? नहीं। तो क्या चलेगा? कमल खिलेगा? पंजा खिलेगा जी। कैसे? क्योंकि आज तक की राजनीति में 32 वर्ष से कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं है, यूपी में सत्ता में नहीं है, कांग्रेस ने जो किया वो आज तक ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया वो ये लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर सकते। कांग्रेस ने रोजगार दिया, सुरक्षा दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा बिल दिया, सूचना का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, ऋण माफी दी, सस्ता बिजली बिल दिया, गैस सस्ती दी, सब्सिडी योजना और तमाम इंदिरा आवास, ये जो भी है सारी चीज़ें कांग्रेस ने दी। और ओबीसी वालों को खासकर मैं कहना चाहूँगा, ओबीसी वालों का 10% जो आरक्षण की जो रूपरेखा बनाई वो कांग्रेस ने बनाई, और आज़ादी के बाद से तुरंत जो जमींदारी विनाश उन्मूलन लागू किया वो कांग्रेस ने लागू किया, वोट का अधिकार कांग्रेस ने लागू किया। ये जो आप तमाम चीज़ों को बता रहे हैं जी जी। लेकिन एक तरफ समाजवादी है, बीएसपी है जी। भाजपा है जी जी। भाजपा समाजवादी आपको तो विरोधी ही नहीं मान रहे हैं। ऐसा है, उनकी एक सोच बन गई है, वो हमेशा निगेटिविटी अपनी जाहिर करते हैं, लेकिन प्रलोभन देकर जातीय समीकरण दिखाकर और बार बार जीतते चले आए हैं अब तक, और उसका ये खामियाजा मिला है भुगतने के लिए कि जो कांग्रेस ने इमारतें बना दी उनका वो कोताही तक नहीं करा पाए हैं, उनकी मरम्मत नहीं करा पाए हैं। तो ऐसी सरकार की क्या जरूरत है, ऐसे जातीय समीकरण की क्या जरूरत है? आज दीदी प्रियंका गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कौन सा जातीय व्यक्ति छोड़ा है जिसको सम्मान नहीं दिया है, जिसको अधिकार नहीं दिया है, जिसको हक नहीं दिया है, या जिसका साथ नहीं दिया है? दीदी प्रियंका गांधी जी ने तमाम महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, जिनके साथ जाति हुई उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई दिखाई दी, ना कि बीजेपी, ना सापा, ना बासपा। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र चौहान। आप इनकी बात से सहमत हैं? आपको लगता है कि साइकिल चलेगी या फिर दोबारा कमल खिलेगा? जी, कमल नहीं खिलेगा, हमारा हाथ का पंजा चलेगा। हाथ का पंजा चलेगा जी? हाथ का पंजा जी, सबको चित कर देगा जी? बिल्कुल जी। ना जी जी, तो गजब हो जाएगा फिर तो। अरे हमारे यहाँ से जो बहन जी हैं प्रज्ञा यशोदा दिवाकर, वो भी जीतेंगे हमारे। वो भी जीतेंगे जी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जी जी। बिल्कुल सम्मान है और पूरा सपोर्ट है जी, फुल सपोर्ट है जी। बीजेपी दावा करती है कि हमने विकास की गंगा बहाई है,
बीजेपी ने उत्तम प्रदेश बना दिया है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि वो कहते हैं कि हमने उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, जैसे कि 400 का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया, पेट्रोल 60 रुपए थी 100 रुपए कर दी, ये तो यही है उत्तम, और क्या है, यही है उत्तम जी, बाकी कुछ भी नहीं है जी। गद्दा मुक्त उत्तर प्रदेश भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौला बख्श है जी। मौला बख्श, आपको भी लगता है? हाँ जी। अभी कांग्रेसी समर्थक है? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी सबसे आगे आएगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस ने काफी दिनों से यह शासन किया है और करेगी। प्रियंका गांधी जी चमत्कार करेंगे। जी। क्या नाम आप? नरेश पाल सिंह। नरेश पाल जी, क्या लगता है आपको? ये लगता है इस वर्ष जो है चुनाव में कांग्रेस पार्टी दमदारी के साथ लड़ेगी। दमदारी के साथ जी। लेकिन शुरू रात में कुछ लगा कि कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ सर्वे भी बता रहे हैं कहानी कांग्रेस। नहीं, सर्वेयर रिपोर्ट या जो मीडिया चैनल है ये भारतीय जनता पार्टी के हैं ज्यादातर मीडिया चैनल वाले, तो वो तो उसी को बताएंगे, वो हमें क्यों आकेंगे कांग्रेस वालों को। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। जमीनी हकीकत अलग है। जमीनी हकीकत ये है कि जनता चाह रही है कि 3 दशक बाद कांग्रेस आए। जी, जनता की भावना है कि इस साल जो है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार बने, ये जनता की भावना है। आपको भी लगता है? जी। क्या नाम है आप? नरेंद्र सिंह कठेरिया। नरेंद्र सिंह कठेरिया, क्या लगता है आपको? हमें यही लगता है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो है ये 2022 में जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनावेगी, और बीजेपी के जो है बीजेपी झूठे वायदे कर रही है, झूठे जो वायदे कर रही है आज तो कोई वायदे पे खरी उतरी ना है, झूठी चर्चा 100 हैं और काम एक ना है। आप कह रहे काम एक भी नहीं है, चर्चा कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें लेकर आ रहे हैं और बीजेपी भी 300 प्लस का कह रही है, तो आप कहाँ हैं? हम तो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस हमारी जो है आगे जाएगी, और जो है वो तो अपनी अपनी कहते हैं, कहेंगे ना तो फिर आगे झूठ सांचे को, तो उनको जो पहले से ही जो नाटकबाजी चली आ रही है इन लोगों ने की बीजेपी की, ये तो झूठ सांचे नाटक है, सपा के हैं वो ना कि झूठे सांचे नाटक हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो आज तक जो वायदे करे हैं वो पूरे करे हैं, और वायदे ना करे हैं वो काम करके दिखाए हैं। जैसे पिछले टाइम पे जो कर्ज माफ करे हैं, तो कोई वायदो ना करो, बगैर वायदे के वो कर्जा माफ करो हो, और बीजेपी ने जो वायदो करो हो कि हम लोन माफ करेंगे या जो विकास करेंगे, वो विकास कहाँ करो, गड्ढा मुक्त कई सड़कों को, वो गड्ढा युक्त है। आज गड्ढा हर जगह पे है, गड्ढा युक्त है, गड्ढे भरे नहीं गए। कहाँ भरे गए? आप जहाँ खड़े वहीं देख लो। क्या नाम है आपका? छत्रपाल कृष्णा जी। छत्रपाल, कमल खेलेगा? खेलेगा भाई, हाथ का पंजा। आप ही कह रहे हैं कमल खेलेगा? हाथ का पंजा खेलेगा भाई हमारा तो। हाथ का पंजा जी, कैसे लगता है आपका हाथ का पंजा? बहुत बढ़िया लगता है। इसने समझ लो सब, इतनी समझ लो ये बैंक है, सबका लोन माफ इसी ने किया है और किसी ने नहीं किया है, छेक छाक करके किया है उन्होंने। किसान परेशान है, किसान गैया रखाते रात भर, गैया ही रखवाएंगे ये तो, कुछ नहीं होने देंगे भाई। क्या नाम है ब्रदर आप? मुनीश यादव। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खाली। आप एक युवा हैं और युवाओं की राजनीति एक अलग किस्म की होती है, तो आपको क्या लगता है जी, जिसने युवाओं को चाहे उसकी सरकार बनी है, तो इस बार के युवा चाह रहे हैं कुछ अलग? कुछ नहीं, खाली कांग्रेस आएगी इसमें और कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, इन्हें किया बीजेपी वालों ने कि गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज कहाँ खत्म कर दिया? इसमें आदमी घूम रहा है खेतों पे, ताप रहा है इसके सिकर रात, ठीक है ना, और उसके बाद में चोर जाएगा तो जाए खनसे, आदमी तो हार्मी पड़ा है, लाएगा खनसे चुराएगा। तो बीजेपी ने गुंडा राज खत्म नहीं किया, गुंडा राज और बढ़ा दिया। बीजेपी नहीं आएगी कभी इस दुनिया में, खत्म ही होनी है ये। क्या नाम अंगल? अमर सिंह। अमर सिंह, क्या लगता है आपको अंगल जी? हमें अच्छा लगता है कि नेतृत्व में, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि बाकी चमत्कार होने वाला है या सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, चमत्कार होना है साहब। हाँ, क्योंकि काश्तकार परेशान है, रात भर गाय रखाते हैं हम लोग, और मान लो गड्ढा वो आज तक मुफ्त नहीं हुए, और जितने वादे करे कांग्रेस ने वो करके दिखाई। बीजेपी से आप खुश नहीं? ना, मुफ्त राशन ले रहे हैं पंजे से कर, मुफ्त राशन ले रहे हैं? हाँ, हम हाथ के पंजे से राजी हैं। नहीं, आप ये बताइए, मुफ्त राशन भी ले रहे हैं फिर भी खुश नहीं? ना, हम नहीं है खुश। आप क्यों? ना, क्यों खुश नहीं? खुश नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सबको मुफ्त राशन, ना कितो मिलो, हमें उससे खुश नहीं है, हम तो कांग्रेस से, कांग्रेस से, कांग्रेस से। आपका मुंह है, अभी इस चुनाव में हुआ है या पहले से? पहले से ही है, पहले से ही, पहले से ही है हमारा। हाँ, तो अब लोकसभा के चुनाव की स्थिति देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 14 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, कुछ भी नहीं ना, कांग्रेस तो ही नहीं, कांग्रेस अब है, अब है,
अब लगता है और कांग्रेस होगी साथ, कांग्रेस होगी। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम है नीरज मोरिया, लक्ष्मीपुर से। जी लड़ सकती हूँ, भरोसा करते हैं? हाँ जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी से हूँ। और क्या नाम है, हाथ का पंजा ही निकलेगा और सन 2022 में कांग्रेस पार्टी ही आएगी जी। आए। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी आएगी। हाँ। नहीं, कांग्रेस पार्टी आएगी, हाथ का पंजा। में कमल नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, कमल नहीं आएगा, हाथ भी नहीं आएगा। नहीं, हाथ का पंजा आएगा जी। जी लगता है क्यों? बीजेपी कहती है कि बेटियों की रक्षा जो बीजेपी ने की, सबसे ज्यादा उत्तम प्रियंका गांधी ने किया है। महिलाओं को क्या नाम है, 40% आरक्षण दिया है, प्रियंका गांधी ने दिया है। प्रियंका जी कहती हैं क्या नाम है, रोजगार महिलाओं के लिए ज्यादातर दिया जाएगा। तो 2022 में कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। हैं तो एकदम आपने सोच लिया है? सोच लिया है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जी, एकदम कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, फिर भी कहती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कुछ दिन पहले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल भी कांग्रेस छोड़ के चली गई जी। 32 साल से कांग्रेस नहीं है यूपी में। मैं ये कह रहा हूँ, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल है वो भी कांग्रेस छोड़ के चली गई। चली, राजनीति है ये तो, राजनीति जी। आप ऐसी राजनीति में भरोसा नहीं करते जी, और ना ही करना चाहते? नहीं। थैंक यू।